तो दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूँ आपको बारानगर टॉपिन रोड के बाद पड़ता है ये लोलैंड, और लोलैंड के ठीक पीछे मैं खड़ा हूँ। और पिछले बार यहाँ पे टाइटैनिक थीम बनाया गया था, और इस बार कुछ अनोखा पंडाल बनाया गया, कोई मंदिर टाइप का कुछ बन रहा है आज जैसा देख कर लग रहा है। तो सुनने में तो यह आया है कि यहाँ के जो दुर्गा माँ है उनका 42 हैंड्स है और 23 हेड्स है, तो पता नहीं, देखना पड़ेगा जाकर। वेलकम टू कोलकाता, और मैं आपको लेकर आ चुका हूँ प्री पैंडल हॉपिंग ब्लॉग में, जहाँ पर मैं आपको वो पंडाल लेकर जाऊंगा घुमाने जो आपने अभी तक तो शायद नहीं देखा होगा। बड़ा या छोटा, मोटा, जैसा भी पंडाल हो, हमने हर तरह का पंडाल को कवर किया है और इंटरव्यू लिया है और पॉइंट ऑफ व्यू लिया है। कार्तिक जी का अभी भी चेहरा नहीं लगाया, आप देख सकते हो, और अभी काम चल रहा है यहाँ पर, तो तैयार हो जाएगा बहुत ही जल्दी, हमें देखने को मिल जाएगा। भाई स्वागत है प्री पैंडल हॉपिंग के एपिसोड 2 पे, और मैं और साहिल भाई हम लोग फिर से आ चुके हैं आपको लेकर पैंडल दिखाने के लिए। और बदकिस्मती की बात यह है, हम लोग पहुँच चुके थे दादा भाई सॉन्गो, जो कि टॉपिन रोड में है, और गेट बंद है, अंदर एंट्री नहीं है, बना ही नहीं है, अभी तक बना नहीं है, तैयार नहीं हुआ, और थीम तो समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत आपको दिखा सकते हैं, अगर आप कुछ समझ आ जाए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। गाइस बहुत तेज भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी डाप दिया जाए। कितना का है? 50 वाला ही दीजिए, 60 वाला लीजिए, बढ़िया नहीं, 50 वाला ही दीजिए, मिठाई देना, फीका दीजिए, मिठाई दीजिए। क्या हुआ भाई? 110 बिरयानी खाना है? पिएगा ना? पिएगा, पिएगा, हाँ पीना है, पीना ही तो है। ले ले, टॉपिन रोड में गोवा का मजा। जब हम लोग बिरयानी खा रहे हैं, साहिल भाई फ़ोन चला रहा है, बेचारा नाश्ता करके भी नहीं आया था, है ना भाई? सुबह को अगर तुम फ़ोन करके उठा दोगे तो इंसान 12 बजे 1 बजे उठता है, उसको तुम अगर 9 बजे फ़ोन करके उठा दोगे तो वो कर भी कैसा? अरे नहीं उठना चाहिए इतना लेट में। तो खाना पीना हो चुका है, अब हम बढ़ रहे हैं लोलैंड की तरफ। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं लोलैंड की तरफ, और ये रास्ता थोड़ा सा बारानगर के आगे आओगे तो लोलैंड मिलेगा आपको, टॉपिन रोड से यहाँ कैसे जाओगे तो ये रास्ता है जाने का, भाई बहुत लंबा रास्ता है, पैदल जाओगे टाइम लगेगा। बस भाई बंद कर दे, पूरा लेके जाएगा क्या? भाई चेन्नई एक्सप्रेस आ गए क्या? और ये डांसिंग जेसीबी की खुदाई, आए हाय आए हाय आए हाय आए हाय आए हाय। इस जेसीबी में माइकल जैक्सन का भूत है, कंफर्म। तो दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूँ आपको बारानगर टॉपिन रोड के बाद पड़ता है ये लोलैंड, और लोलैंड के ठीक पीछे मैं खड़ा हूँ। और पिछले बार यहाँ पे टाइटैनिक थीम बनाया गया था, और इस बार कुछ अनोखा पंडाल बनाया गया, कोई मंदिर टाइप का कुछ बन रहा है आज जैसा देखकर लग रहा है। और वैसे हमें यहाँ पे लगता है कि भाई जाने का तो रास्ता नहीं है यहाँ से, अब लगता है कि तैर के वहाँ जाना पड़ेगा। देखो वहाँ पे दर्शनीय जो लोग दर्शन करने आए हैं वो लोग तैयार है, तैर के वहाँ से जाने वाले हैं। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ भाई, तैर के नहीं जाना है, वहाँ से रास्ता है, वहाँ से जाना पड़ेगा हमें अंदर में, और अंदर जाकर थीम पता चलेगा किस बात पे। फिलहाल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये पंडाल, तो फिर भी कोशिश करते हैं, अगर हुआ तो देखा जाएगा। चलो बन रहा है ब्लॉग।
पकड़ इसे। কবে দিয়ে এটা স্টার্ট হয়ে যাবে? সাড়ে তিন মাস। আর উদ্বোধন আছে শুক্রবার থেকে সবাই আসতে পারবে। এটা কনস্ট্রাকশন মানে ওটা ডিজাইন আছে? না 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 না। जैसा कि आपने देखा ये पंडाल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि अभी बन रहा है और फ्राइडे से इसका उद्बोधन जो है वो चालू होगा और आप आ सकते हो फ्राइडे से इस पंडाल को विजिट करने। उसके पहले मत आना गाइस, क्योंकि अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, पैर में कील घुस जाएगा। हाँ, और हमें अंदर तक जाने नहीं दिया गया है क्योंकि अंदर प्रतिमा है, कुछ जाना नहीं चाहते। नहीं, अंदर जाने भी नहीं दिया जा रहा है, बोले हैं कि आप बाहर का ले सकते हो, पंडाल के अंदर मत जाना। तो इसलिए हम अंदर नहीं गए और मजा किरकिरा नहीं करना चाहते हैं आपका। आप आना और विजिट करना गाइस, इसीलिए हम लोग बाहर से लेके आ गए। हाँ, अब हम लोग अपने अगले जो मेन पंडाल है वहाँ हम बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारा ताला प्रत्यय है ना, वहाँ हम लोग को बढ़ना है अभी। और यहाँ से कुछ मिनट का रास्ता है, चलिए आप लोगों को भी लेकर चलते हैं। अच्छा, मेरे को तेरे से एक सवाल है। सवाल ये है कि हम लोग यहाँ पे क्या करने आए? पंडाल देखने आए। तो ये डस्टर क्यों लेके आया है? कुछ कहाँ डस्टर है, कहाँ पे है? तेरे बैग में डस्टर रखा हुआ है यार। मेरे बैग में तेरे को डस्टर? अच्छा ये? हाँ ये। अरे मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ ना यार, और पार्ट टाइम ब्लॉगर भी हूँ। तो वो देखो, वो पंडाल देखने आया हूँ तो यहाँ पे साफ सफाई की काम करना पड़ सकता है मदद, तो मैं डस्टर लेके आया हूँ। डस्टर से तो क्या साफ करेगा, यहाँ पे मेरे को दूर दूर तक कहीं ब्लैक बोर्ड तो नहीं दिख रहा है। ब्लैक बोर्ड नहीं, लेकिन लोगों का जो तकलीफ है उसको साफ कर सकता हूँ मैं। हेलो, अभी ये टाइम देखो, इस टाइम पे मैं बेसिकली उठता हूँ, मतलब नींद से उठता हूँ। फ्रॉम नो वेयर ये आया और मेरे को बोल रहा है कि चल पंडाल हॉपिंग करते। निकले हैं ब्लॉग बनाने के लिए, दोस्त के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा भाई। रास्ते में कोई लड़की दिखने से बताना। इस एपिसोड को हम अब यहीं एंड करेंगे, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा जितना से हो सके शेयर करो दोस्तों को और सबको।